exercise 2.2, question number 1, 6 sum. Same type of sum, जहां हम sum of zeros निकाल, sorry, zeros निकालते थे, sum of zeros निकालते थे, और फिर क्या करते थे? Verification करते थे, sum of zeros और product of zeros का. So now let us see, this is already given in the standard form. So what I will do, 3x square minus x minus 4 is equal to 0. I will return this into the standard form. Now, multiply first and last number to factorize it. Factorize karna hai, split karna hai isko. So, 3 into 4, 12. 3 into 4, 12. So, 3 minus 4, how much? Minus 1. Because I needed minus 1 only. See here, this is, nothing is there with x. Then it is minus 1. अगर यहां कुछ नहीं है तो 1 है, but हम लोग 1 लिखते नहीं है. So ये हो गया, ये भी verify हो जाएगा. देखो minus 4, इसलिए ये आ जाएगा minus 12. तो verified already factors मिले हुए. So क्या करोगे अब? First और last number को छोड़ के बीच वाला number को split कर दो. तो क्या हो जाएगा? Plus 3x minus 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दो दो की पैर. सो 3 और x कॉमन है ना, क्लियरली है, और x स्क्वायर और x. सो बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर? व्हाट इज देयर, व्हाट इज रिमेन इन द ब्रैकेट? सो एक बच जाएगा यहां से x, और यहां पर कुछ नहीं मतलब 1, यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 बच जाएगा. ओके अब माइनस, देखो 4 कॉमन आएगा. अब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला कि अगर ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज दोनों ब्रैकेट सेम थे. और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, 3x इज इक्वल टू 4. तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 4 अपॉन. So I hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये माइनस वन है, ये माइनस वन है, और ये क्या है, 4 अपॉन 3. अब इसका क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे. सो वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या लेते थे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो ले लेते हैं सम ऑफ, एक चीज और क्या, अल्फा, इसको बोलेंगे अल्फा, और इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे बीटा. ओके सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा. सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस बी अपॉन ए. नाउ अल्फा इज व्हाट, माइनस 1, बीटा इज व्हाट, प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज बी, ए बी, मैंने बोला ना कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा. तो क्या हो जाएगा, माइनस 1. व्हाट इज ए, ए इज व्हाट, 3. एलसीएम लो, 3 1 जा 3 माइनस 3, 1 1 जा 4, 3 1 जा 3, माइनस इन टू माइनस प्लस 1 अपॉन 3, 4 प्लस 3 कितना होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस. सो कितना हो जाएगा, 1 ग्रेटर नंबर साइन अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. इन शॉर्ट देयरफॉर वी हैव वेरीफाइड एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस. ओके वी हैव वेरीफाइड एलएचएस इज इक्वल टू
RHS. Now, product of zeros C upon A. Product of zeros C upon A. So alpha into beta C upon A. What is alpha? Minus 1. What is beta? 4 upon 3. What is C? Minus 4. What is A? 3. A, B, C. So, 4 on the 4. Minus 4 upon 3. Minus 4 upon 3. So, in short, we can say that LHS is equal to RHS. So, I hope we have verified this. We have understood this. So, thank you so much for watching. अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम बच्चे लोग तक पहुंच सके और मैक्सिमम बच्चे लोग पढ़ सके. थैंक यू सो मच.